जिंदाबाद। सबसे पहले तो एक बार जोर से, छात्र एकता जिंदाबाद। और भी है, छात्र एकता जिंदाबाद। मेरा गला खराब है, मैं आपको वापस बुला रही हूँ। छात्र एकता जिंदाबाद। मेरा नाम सृष्टि गौड़ है और मैं जीसी कॉलेज से महासचिव पद हेतु खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैंने बहुत ट्राई किया था कि मेरे को NSY से टिकट मिल जाए, बट नहीं मिला। कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए कि क्यों नहीं मिला, तुमने इतनी कोशिश की, ये किया वो किया, कोई बात नहीं। पर इस बार मैं बस इतना चाहती हूँ कि कॉलेज में ना तो ABBB पैनल बैठे, ना NSY पैनल बैठे, फिर बैठेंगे तो निर्दलीय पैनल बैठेंगे। इसके अलावा कई नेता थे जिन्होंने कहा कि तुम लड़की हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम्हें बीच में बैठा देंगे। बहुत मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे भी, कुछ स्टूडेंट्स के भी, लड़कों की भी, कि तुम बैठ जाओ, नहीं कर सकती हो। पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि वो कॉलेज कोएड कॉलेज है, वहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और लड़कियों की समस्या है कोई लड़का नहीं समझ सकता। हेलो, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, बट मैं इतना कहना चाहूंगी आप लोगों के कॉन्टेक्ट में जितनी भी लड़कियाँ हैं उन तक अपनी ये बात पहुँचाए कि अगर एक लड़की जीतती है तो एक लड़की ही तुम्हारी प्रॉब्लम समझ पाएगी। अगर कॉलेज ऑफिस में लड़के लड़की बैठेंगे तो उस ऑफिस में कोई भी लड़की एंटर नहीं कर पाएगी। अगर कोई लड़की बैठती है तो उस ऑफिस में लड़कियां भी आना शुरू करेगी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। मैंने देखा है कि कॉलेज के ऑफिस में लड़कियां आना ही पसंद नहीं करती है, क्योंकि वहां पर अगर लड़के बैठ जाते हैं तो वहां पर एक झुंड इकट्ठा हो जाता है जिस लड़कों लड़कों का। तो अगर कोई लड़की बैठती है तो वहां तक उन लड़कियों की बात आ पाएगी। बस अपना साथ बनाए रखना और इस बार निर्दलीय लाएंगे। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी राजपाल भैया को, चेतन भैया को, कि उन्होंने मुझे काबिल समझा, अपने साथ रखा। थैंक यू भैया।